और आप लोग को हम दिखा रहे हैं अर्टिगा का कूलिंग कॉइल चेंज करने का तरीका, है ना। पहले हम लोग डैशबोर्ड खोले हैं, देखिए डैशबोर्ड में क्या खोलना है, इधर लाओ नजदीक, स्टीयरिंग असेंबल आएगा, ठीक है, स्टीयरिंग असेंबल आएगा, ये ढक्कन खोलने के बाद यहाँ इधर दिखाओ, मीटर खोलेंगे, मीटर खोल के हटाएंगे, हटाने के बाद यहाँ एक बोल्ट होता है, उसको खोलने में आराम होता है, एक बोल्ट यहाँ पे देगा 12 नंबर, और ये वायर खोलेंगे, ठीक है, नीचे वाला वायर खोलना है, 12 नंबर बोल्ट खोलना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 12 नंबर तो दिखता ही है, सिंपल अल्टो थ्रा, इधर ही 12 नंबर है, यहाँ से 12 नंबर खोलेंगे, इसके बाद इधर दिखाओ, फिर स्टीयरिंग में कुछ नहीं खोलना है, स्टीयरिंग कंप्लीट आएगा, सिर्फ नीचे से वो कॉलम बोल्ट खोलेंगे स्टीयरिंग का, इधर दिखाओ, यहाँ से ये फ्यूज में जो लिंक लगा हुआ है, जो डैशबोर्ड से जो आया है, उस फ्यूज लिंक को निकालना है। अब इसको ध्यान से निकालेंगे, ये सिस्टम को, ये यहाँ से लॉक खोल के खींचेंगे फ्यूज लिंक से, ठीक है। उसके बाद इधर दिखाओ, लाओ ये जो वेंटिलेटर का वायर है, इसको निकाल देना तरीके से, ना कि टूटे ना, ध्यान से, है ना। फिर ये फेर वाला वायर है, इसको हाथ डाल के निकालेंगे, इसको भी निकालने में थोड़ा तकलीफ होता है, ठीक है। उधर दिखाओ, वहाँ एक लिंक है, एक लिंक ये हरा वाला है, ये फेन वाला है, ब्लू फेन वाला, ठीक है। ये दो तीन आइटम खोल देना है, उसके बाद कंप्लीट डैशबोर्ड को बाहर जब निकाल देंगे, फिर इधर लाओ, ये फिर लिंक है, यहाँ से तीन चार हम लोग खोले हैं लिंक, एक दो तीन चार पाँच, इस तरह से खोलेंगे, आर्थिंग यहाँ से खोलेंगे, जो आर्थिंग डैशबोर्ड में साथ में चला गया, ये 10 नंबर आर्थिंग है, ठीक है। ये मोटर का ये वायर खुला हुआ है, स्टीयरिंग मोटर वाला, स्टीयरिंग मोटर का। अब कूलिंग कॉइल को हम लोग खोलते हैं, कूलिंग कॉइल को खोलने के लिए क्या करना है, गियर लीवर को खोलेंगे, खोलने से क्या है, डैशबोर्ड निकालने में आराम होता है। गियर लीवर को खोल के इस तरह से झुका सकते हैं, इधर झुका देंगे तो धीरे 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 आराम से इस तरफ से बाएँ तरफ से बाएँ साइड से बाहर निकाल लेना है, ठीक है। अब इधर दिखाओ, अब हम लोग इसको खोलेंगे, ये खोलने के बाद अंदर में बोल्ट है, एक दो तीन, एक वहाँ नीचे है, ठीक है। फिर वो एक्सटेंशन वाल का पाइप खोलेंगे और कूलेंट का पाइप, और फिर कूलिंग कॉइल को बाहर निकालते हैं हम लोग, ठीक है, बंद करो।